हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? होप आप सब जन बहुत ठीक होंगे, मज़े में होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। देखते हैं आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है, आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके मन में कैसी कैसी फीलिंग्स आ रही है आपको अपने सराउंडिंग्स को लेके। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। ओके फ्रेंड्स, आपके पार्टनर के साथ में अचानक है, आपके साथ में ऐसी कोई सिचुएशन हुई है, जैसे मुझे ऐसे लग रहा है। जब भी टावर कार्ड खुलता है तो मुझे लगता है कि लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आता है। वो हमारे लिए बहुत अचानक होता है और बहुत शॉकिंग भी होता है। कभी कभी हमें लगता है उस वक्त कि ऐसा हमारे साथ में क्यों हुआ, लेकिन ये जो टावर सिचुएशन है तो मुझे बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन दे रही है, क्योंकि इसके इमिजिएटली बाद में एट ऑफ सोर्स और पेज ऑफ वैंड्स कार्ड खुल रहा है। तो मुझे लग रहा है आपके पार्टनर के मन में ऐसे चल रहा है, उनको बहुत ऐसे कुछ शॉकिंग न्यूज़ मिली है, या ऐसे कुछ उनके साथ में कुछ हुआ है कि उनको ऐसे शॉकिंग लग रहा है कि कहीं मेरी जो पार्ट मेरा या मेरी पार्टनर है सामने, वो कहीं और मुझे छोड़ के चले दी जाए, कोई दूसरा पर्सन, उनको थर्ड पर्सन ऐसे आते हुए दिख रहा है। उनको वो फियर बहुत ज़्यादा आ रहा है और वो बहुत डर रहे हैं इस बात को लेकर कि कहीं आप उनको छोड़ के चले ना जाए। ये फीलिंग उनको आपके पार्टनर को बहुत स्ट्रांग करनी, पता नहीं आपने ऐसे अपने सोशल मीडिया पे या अपने किसी चीज़ में ऐसा कुछ डाला है, तो उसकी वजह से उनको उस चीज़ से उनको लग रहा है कि शायद ये मुझे छोड़ के चला जाए, चले जाएंगी, क्योंकि उनको बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है ये चीज़ की। क्योंकि पेज ऑफ वैंस इसमें आफ्टर टैरेट में जब आता है तो उसमें ऐसा लगता है कि इंसान हमको छोड़ के जा रहा है, तो उनको ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है उनको कि आप उनको छोड़ के ना चला जाए। और उसकी वजह से इनके मन में इतना कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, इतना ज़्यादा है वो कॉन्फ्लिक्ट इनके माइंड में, या उन घर में भी सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि वो घर में भी उनकी किसी से बहुत आर्ग्यूमेंट्स हो रहे होंगे या बहुत ऐसे थोड़े झगड़े टाइप में हो रहे होंगे, तो वो भी पॉसिबिलिटी रूल आउट नहीं कर सकती है। लेकिन व्हील ऑफ फॉर्चून और जजमेंट कार्ड बोल रहा है कि वो जानबूझकर गॉड उनके साथ में ऐसा कर रहा है ताकि वो व्हील ऑफ फॉर्चून जो एक डिसीजन लेने का वक्त आ जाता है, डिवाइन टाइमिंग आ जाती है, तो गॉड उनको ऐसे सिचुएशन में डालते हैं ताकि वो डिसीजन ले सके, नहीं तो वो डिसीजन लेते नहीं हैं, आगे बढ़ते नहीं हैं। इसलिए उनको ऐसा ये डर दिखाया गया है कि आप किसी और के साथ में इन्वॉल्व हो गए और उनको छोड़ के जा रहे हो, तो ये फीलिंग उनको बहुत स्ट्रांगली आ रही है। और उसकी वजह से उनके घर बहुत ज़्यादा है ना फाइटिंग्स भी हो रही होंगे, झगड़े भी हो रहे होंगे, माइंड में भी बहुत कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। हो सकता है जो लोग उनको रोक रहे होंगे आपकी तरफ बढ़ने के लिए, उनसे भी वो बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स कर रहे होंगे, क्योंकि उनको ब्लेम गेम में लग गए होंगे थोड़ा बहुत कि तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ, मैंने अपने पार्टनर की तरफ ध्यान नहीं दिया, आज वो मुझे छोड़ के जा रहा है, जा रही है। ये चीज़ उनके मन में बहुत चल रही है, और क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून ये वक्त उनसे करा रहा है और वक्त की यही डिमांड है कि अभी उनको डिसीजन लेना है, क्योंकि जजमेंट अवेकनिंग का कार्ड आ गया है। अवेकनिंग आता था इंसान को, गॉड ही खुद एंजल्स है, गॉड ऑफ एंजल्स, वो उनको मजबूर कर रहे हैं डिसीजन लेने के लिए। अभी उनको आता है कि हाँ, अब मैं नेक पे आ गया हूँ, अब मैं डिसीजन नहीं लूँगा या नहीं लूँगी तो वो पार्टनर मुझे छोड़ के हमेशा के लिए चला जाएगा, क्योंकि उनके मन में आपके लिए बहुत ज़्यादा लव फीलिंग्स है। जब इंसान के मन में लव फीलिंग्स होती है तो वो उनको छोड़ के जा नहीं सकता, और वो किसी वजह से अटक रहा हो, जैसे अपनी फैमिली की वजह से या फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से या सराउंडिंग की वजह से, तो वो फैक्टर भी उनको छोड़ना पड़ता है कि वो फैक्टर्स उनके लिए सेकेंडरी हो जाते हो, सब मेन फैक्टर सिर्फ आप रह जाते हो। ये फीलिंग्स उनके दिमाग में कंटिन्यूस घूम रही है। उनको पहले लगता था कि आप सिंगल हो, पीसफुल हो, ये हो, ये सब थॉट्स उनके दिमाग पर थी पहले कि आप उनका वेट कर रहे हो। अब उनको ऐसे उनके सिचुएशन से डेथ जैसे हो गई, एकदम ये सिचुएशन उनको लग रहा है ख़त्म हो गई, आप सिंगल नहीं हो। उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि आप मूव ऑन हो रहे हो लाइफ में, किसी और के साथ में या दूसरा पर्सन आपकी लाइफ में आ गया और आपको फ्री करा के ले जा रहा है, तो ये उनको बार बार लग रहा है। और उस सिचुएशन वो सब सोच सोच के उनकी कंडीशन इस तरह की हो गई, आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा टेंशन में है, और इसलिए टेंशन में वो उनके घर में उनको रात भर नींद भी नहीं आ रही होगी, तो ये पॉसिबिलिटी भी काफ़ी है। और इसके आपको भी थोड़ा महसूस हो रहा होगा कि जैसे अभी आप उनको जब बेचैनी होती है, हमें थोड़ा अच्छा फील नहीं होता, तो हमें समझ नहीं आ जाता है कि हमारे सामने वाले पार्टनर को अच्छा नहीं लग रहा है। और वो ट्विन फ्लेम्स और सोलमेट्स तो बहुत ईजीली फील कर सकते हैं, और आप भी काफ़ी टाइम से वेट कर रही है प्रपोजल का, और वो भी वेट कर रहे हैं, और वो डिस्कशन बहुत
स्ट्रॉन्ग डिस्कशन चल रहा है, वो उनको लग रहा है कि थर्ड पार्टी में आप नहीं चले जाओ, आप कहीं से और के साथ इन्वॉल्व हो जाए, ये सोच के वो बहुत टेंशन में आ रहे हैं। और वो आपको अपना लव प्रपोजल ऑफ़र करने का एकदम मन बना लिया, ऐसे बोल सकते हैं, आपको कभी भी लव ऑफ़र कर सकते हैं। क्योंकि जब इंसान को टेंशन आ जाती है ना कि हाँ ये मुझे छोड़ के चला जाएगा या चली जाएगी, तो वो इंसान के लिए रुक पाना बहुत डिफ़िकल्ट है। अभी उनकी स्ट्रॉन्ग एनर्जी टावर वाली चल रही है, और वो भी टावर एनर्जी 2-3 दिन चले, मैं चाहती हूँ कि वो चलेगी, तभी वो आपको प्रपोजल लेके आपके पास तुरंत भाग के दौड़ के आएंगे। क्योंकि उनको उनका उनका बहुत स्ट्रॉन्ग डिस्कशन चल रहा है अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स से, कि ये पार्टनर मुझे छोड़ के चला नहीं जाए। उन्होंने बहुत साल से आपको बहुत ज़्यादा उन्होंने मंथन से बोलते ना, बहुत सोच सोच खाली सोचते आते हैं, सोचते आते हैं, सोचते आते हैं, वो इतना ज़्यादा सोचने में टाइम वेस्ट कर दिया उन्होंने। जब इंसान सोचता ज़्यादा है ना तो डिसीजन कम लेता है, लेकिन जब वो ऐसे फटाफट सब चीज़ टावर जैसे सिचुएशन आ जाती है ना, तो इंसान के डिसीजंस बहुत फास्ट हो जाते हैं। और उनको आपको इतने साल से ऐसे मतलब काफ़ी टाइम भी हो गया अगर आपको लटका के रखे है कि हाँ आपको ऐसे ऐसे एक छोटी सी उम्मीद दे के रखे थे कि हाँ मैं आऊँगा या आऊँगी, लेकिन वो बढ़ते नहीं थे, हमेशा आपको हैंग लटका के रखे थे। लेकिन अब वो सिचुएशन मुझे ख़त्म होती हुई दिख रही है, क्योंकि उनको आपको लव अपना जो छुपा हुआ लव था वो उनके मन में, आपके दिल में, उनके दिल में आपके लिए, वो उनको एक्सप्रेस करना ही पड़ेगा। उनको मालूम है अब मैं एक्सप्रेस नहीं करूँगा या करूँगी तो मेरी सिचुएशन एकदम हाथ से निकल जाएगी और मैं ज़िंदगी भर पछताने के अलावा कुछ नहीं कर सकूँगा या कर सकूँगी। लेकिन डेफिनेटली टेम्परेंस कार्ड एक पीसफुल रिजोल्यूशन का कार्ड होता है, एक पीसफुल रीयूनियन का कार्ड होता है। इसमें एंजल्स है, देखो एंजल लव, इसको लव ऑफ एंजल्स भी बोलते हैं। ये एंजल्स खुद मिटलाते हैं आप लोगों को, ये आपके पार्टनर आपके पास आ रहे हैं, मुझे डेफिनेटली ऐसे लग रहा है। आपने सोशल मीडिया पे या उनके फ्रेंड्स के थ्रू उनको कुछ मालूम पड़ा है। देखो वो हर पहले बहुत ज़्यादा सोचते थे, और आप भी ऐसे बहुत सोचने की पोजीशंस में रहते थे हमेशा, और है ना उनके पास हमेशा ऑप्शंस खड़े रहते थे, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, बहुत सारे ऑप्शंस थे पास्ट में उनके पास, उसकी वजह से वो आपके साथ में ऐसे कर रहे थे। लेकिन अभी जस्टिस कार्ड खुला, जस्टिस बोल रहा है कि आपको जस्टिस मिलेगा, अब उनको भी जस्टिस करना पड़ेगा, गॉड को भी जस्टिस करना पड़ेगा, और यही आपके लिए राइट चीज़ मुझे ऐसे लग रही है। हो सकता है कि ये आपकी शायद कोर्ट मैरिज भी हो जाए, वो अपने पेरेंट्स को पता है अगर आपके साथ में कोर्ट मैरिज कर ले, ऐसा भी मुझे ऐसे लग रहा है। क्योंकि जस्टिस कार्ड आता है तो उसमें थोड़ा कोर्ट इन्वॉल्वमेंट भी हो जाता है, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आपकी कोर्ट मैरिज भी हो सकती है। यस डेफिनेटली, देखिए वो आपको इतना ज़्यादा प्यार महसूस करते हैं, वो आपको आपको जब अपना लव एक्सप्रेस करेंगे तो आपकी थ्री आपको पार्टी वगैरह ऐसा इतना ज़्यादा स्टार्ट हो जाएगा आपका लाइफ में, आप ऐसे इंजॉय करोगे, आप दोनों इतना घूमोगे फिरोगे कि पूछे मत। अभी पहले इतने 10 ऑफ वैंड्स थी, वो बहुत ज़्यादा प्रेशराइज फील करते थे, वो एकदम एकदम चेंज हो गया है अभी। अब वो सिचुएशन मुझे पूरी तरह से चेंज हो गई है, आपके पार्टनर की एकदम पूरी तरह से सिचुएशन चेंज हो गई है। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा टेंशन में आपके लिए लिख के कि आप, मुझे लगता है सोशल मीडिया पे आपने डेफिनेटली कुछ ऐसा डाला है, या ऐसे सोशल मीडिया पे या फ्रेंड्स के थ्रू उनको कुछ पता चला है आप, तो उनको ऐसे लग रहा है कि शायद ये मुझे छोड़ के चले जाएंगे। यू लीव योर यूनिक स्टैंप ऑफ लव ऑन एवरीथिंग यू डू, उनको आपके यार में ऐसे आपके यार में ये सोचते हैं वो कि आप उनके पर अलग से छाप छोड़ते हो एक प्यार की, जो उनको किसी ने आज तक ऐसा महसूस नहीं करा है, उस तरह का प्यार वो आपके साथ में महसूस करते हैं। एक और मैसेज देख लेते हैं। यू एक्नॉलेज योर मिसडीड्स एंड अकम्पलिशमेंट्स अलाइक एंड लर्न टू लव देम ऑल एज लेसन्स, वो अभी अपनी खुद की मिस्टेक्स और जो मिसबिहेव आपके साथ में किए थे या किए थी, तो वो उनको एक्नॉलेज करेंगे और आपको आपको एक्सप्रेस करेंगे अपना लव, क्योंकि उनको ये सब मिस्टेक्स से उनको ने बहुत बड़े लेसन सीख लिए लाइफ में। क्योंकि जब लेसन सीखता जाता है इंसान, तो उसे समझ में आ जाता है कि मैंने कहाँ गलत किया कहाँ राइट किया, उसको सब आंसर्स मिलने लग जाते हैं। अब ये मिक्स इमोशंस से देख लेते हैं, आपके पेरेंट्स, आपके फ्रेंड्स, आपके जो पार्टनर है उनके पेरेंट्स, क्या उनके रिलेटिव्स कोई उनको रोक रहे हैं या वो कुछ रोक रही है उनको। पहले उनके जो फ्रेंड्स या रिलेटिव्स उनको रोकते थे या करते थे, अब वो कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड, मतलब बोलते हैं ना फिनिश हो चुकी है, वो एग्जॉस्ट हो चुका है, ये ओपन है, ये आपके सामने ओपन में आ जाएगा कम्प्लीटली,
और वो खुद ही उनको एंकरेज करेंगे, उनके फ्रेंड्स रिलेटिव्स की, कि आप आगे बढ़ो इस रिलेशनशिप में, आप जाओ आगे बढ़ो, अपनी दिल की बात एक्सप्रेस करो या करें, ऐसे आपको बोलने वाले हैं। क्योंकि उनको भी पता चल गया कि आप उनकी सिचुएशन देखिए, उनको पता चल गया उनके फ्रेंड्स को भी और सबको भी, उनके पेरेंट्स को भी, कि वो कितना प्यार करते हैं आपका। और ये आपका रिलेशनशिप एक प्लेटोनिक रिलेशनशिप है, इसमें इंसान अनकंडीशनली लव करता है किसी से भी, उसमें कोई कंडीशंस नहीं होती है, चाहे उसके पास कुछ हो चाहे ना हो, या उनके वो उनको दे या ना दे, लेकिन फिर भी वो आपसे मिसबिहेव भी करते तो भी आप उनको भूल नहीं सकते हो, आप इतना प्यार करते हो उस पर्सन से, ये इसको ये आपका अनकंडीशनल लव है। ये उनको रियलाइज़ हो गया है, उनकी फैमिली को भी रियलाइज़ हो गया है, और वो स्ट्रांगली आपके पास आने का सोच रहे हैं, और उनके बहुत स्ट्रांग फियर्स आ रहे हैं उनको। मुझे कंटिन्यूस मॉर्निंग से ही एनर्जी आ रही है कि आपके पार्टनर को बहुत स्ट्रॉन्ग फियर्स आ रहे हैं। रिमेन पॉजिटिव, डोंट स्टॉप एंड कम्युनिकेट क्लियरली। आपको एंजल्स बोल रहे हैं कि आप पॉजिटिव रहिए, क्योंकि ये जो भी रीडिंग आई है एकदम राइट है, पॉजिटिव है, आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट ही लेके आएंगे आपके पार्टनर आपके पास आएंगे, कि वो उनको अभी स्टॉप होने वाले नहीं है। डोंट स्टॉप, एंजल्स उनको बोल रहे हैं डोंट स्टॉप और कम्युनिकेट क्लियरली। हो सकता है अगर आप वो आपके पार्टनर आपसे झिझक रहे हो कम्युनिकेट करने में, तो कुछ लोग अपने पार्टनर को सामने से भी आप कम्युनिकेट कर सकते हो या इनडायरेक्ट में उनको मैसेज दे सकते हो अगर वो झिझक रहे आपकी तरफ बढ़ने में। क्योंकि जब कम्युनिकेशन क्लियरली होगा आप दोनों के बीच में, तो आप दोनों को अपने जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वो भी दूर करने में बहुत आसानी हो जाएगी। अभी होता है ना कि इंसान सामने से होता है कि मैंने इतना बैड बिहेव कर दिया तो मैं कैसे जाऊँ, मैं कैसे बात करूँ। उनको एक कंफर्ट देने के लिए आपको उनको ऐसा एक इशारा देना पड़ेगा, या कुछ फेसबुक ऐसे या सोशल मीडिया पर आप ऐसा कुछ डाल सकते हो कि उनको ऐसे लगे कि आप अभी भी उनके लिए ही वेट कर रहे हो। लेकिन इसमें एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि जब उनको तसल्ली मिल जाएगी कि आप ही उनका वेट कर रही हो, तो शायद वो आगे बढ़ने से पहले थोड़ा रुक जाए कि हाँ अभी मुझे इतना टेंशन की बात नहीं है। तो ये स्टेप थोड़ा सोच के लेना, लेकिन कम्युनिकेशन आएगा उनकी तरफ से आए तो मुझे लगता है ज़्यादा बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। उनका वेट करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मुझे साई बाबा का एक मैसेज देख लेते हैं, आपका साई बाबा आप लोग से क्या कहना चाहते हैं। सैडनेस एंड ग्लैडनेस, सैडनेस एंड ग्लैडनेस आर टू साइड्स ऑफ द सेम सेम कॉइन। मैं बोल रही हूँ आपके वो पार्टनर एकदम बहुत ज़्यादा सैड है, लेकिन जैसे ही वो आपको अप्रोच करेंगे और अपना लव एक्सप्रेस करेंगे तो आपकी सैडनेस ग्लैडनेस में बदल जाएगी। और जैसे बोलते हैं ना, दिन से रात हो जाएगा, एकदम अलग ही तरह की सिचुएशन हो जाएगी। इन बींग अटैच टू योर वर्ल्डली रोल्स, डू नॉट निगलेक्ट योर सोल पर्पज। और साई बाबा आपसे ये भी बोल रहे हैं कि आप इतना भी अटैच मत हो जाए अपने अपने पार्टनर से, कि आप अपना जो लाइफ में आपके जो आपके ड्रीम्स है, जो आपका सोल पर्पज़ है, जो आपको काम करना है, उसे आप मत भूलिएगा। ये आपको करते रहना है कि अपना सोल पर्पज़ जो लोगों की हेल्प करनी है, या आपके भी आपका जो काम है, स्टडीज़ है, या आपको जो भी करना है, जो अचीव करना है लाइफ में, उसे आप मत भूलिएगा। ये डेफिनेटली याद रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, होप आपको मैसेज आपका पहले अपने पार्टनर से मिला, आपको क्लियरिटी आई होगी कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, और आपको आपका पार्टनर कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि उन पे टावर जैसे सिचुएशन आई हुई है और वो बहुत डरे हुए हैं इस वक्त। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं और वो आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक्स अ लॉट।